नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। ये है प्राइमल पुश और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पुशअप्स। दोस्तों, पुशअप्स बहुत ही वर्सेटाइल एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती और कोई बहुत ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी जैसे कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम लोग जिम नहीं जा पाते, तो अक्सर आपके दिमाग में ख्याल रहता होगा कि हम अपनी अपर बॉडीज़ को कैसे डेवलप करें, तो उसके लिए पुशअप्स एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हालांकि पुशअप्स कैसे करने चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत तरीके से पुशअप करते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है पुशअप्स का, उल्टा आपके इंजर्ड होने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप सही तरीके से पुशअप्स करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी फिजीक मिलती है, जो ना सिर्फ देखने में अच्छी है बट उसका एथलेटिक कैरी ओवर भी बहुत है। आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपका उसका कैरी ओवर बहुत है। एक ढंग से पुशअप करना आपके कोर को भी स्ट्रॉन्ग करता है साइमल्टेनियसली, तो आपकी ओवरऑल जो लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। सो पुशअप्स कैसे सही से करने हैं ये सीखना बेहद ज़रूरी है और यही हम आज के टॉपिक में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि पुशअप करने का सही तरीका क्या है और कैसे उस तरीके तक पहुंचा जा सकता है, दैट इज़ प्रोग्रेशन। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो भी आप ये वीडियो देख के कुछ इसमें से वैल्यू ले सकते हैं, बट ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है कि कैसे पुशअप स्टार्ट किए जाए एंड स्लोली उसको कैसे एडवांस किया जाए। तो इस वीडियो में मैंने टेक्निक और प्रोग्रेशन दो चीज़ कवर करी है, एंड एज अ बोनस मैंने ये भी कवर किया है फॉर दोज पीपल जो पुशअप्स करते हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो उसके लिए मैंने ये भी कवर किया है कि किस तरीके की पुशअप्स गलत होती हैं और क्या करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो वो वीडियो के एंड में आप देखेंगे कि किस तरीके से गलत पुशअप्स होती हैं, लोग करते हैं और उससे उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि पुशअप्स करने का सही तरीका क्या है। हालांकि दोस्तों, पुशअप्स करने के लिए एज सच कोई भी इक्विपमेंट की या किसी भी तरीके की प्री रिक्विजिट की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ, अगर आप सही से पुशअप करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप एब्डोमिनल ब्रेसिंग करना सीखें। अगर आपको एब्डोमिनल ब्रेसिंग क्या है उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने एब्डोमिनल ब्रेसिंग कैसे स्टार्ट करना है वो सिखाया, उसके बारे में बात करी है। एंड नेक्स्ट, जब आपकी एब्डोमिनल ब्रेसिंग होने लगे तब क्या आप खड़े रह के उस ब्रेसिंग को मेंटेन कर सकते हैं, और उस ब्रेसिंग को मेंटेन करके क्या आप एक रेगुलर ब्रीदिंग रिदम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये पुशअप का एक प्रीरिक्विजिट है। मैं चाहूँगा कि आप इन एडिशन टू डूइंग योर पुशअप्स आप ये ब्रेसिंग की भी प्रैक्टिस करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कोर को स्टेबलाइज कर सकें ड्यूरिंग अ पुशअप, और वो आपके पुशअप्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। आपके पुशअप्स की जो लर्निंग कर्व है वो भी शॉर्ट होगा और आपका जो इफेक्ट है पुशअप्स का वो भी काफ़ी अच्छा आपके चेस्ट पे आएगा। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देखिए इधर पे एब्डोमिनल ब्रेसिंग वाला, एंड जिस तरीके से मैं अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कि कोर को कैसे ब्रेस करना है खड़े होके, तो जब आप इस पॉइंट तक पहुँच जाए आप पुशअप्स करने के लिए रेडी हैं। इवन अभी भी आप पुशअप्स कर सकते हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपका लेवल आपकी कैपेसिटी के हिसाब से हो, आप बहुत आगे जाने की कोशिश ना करें। जैसे कि मान लीजिए आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो आप सीधा फ्लोर पर पुशअप्स मत करिए, आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो आपके लिए मैंने प्रोग्रेशंस बनाए हैं, आप वो प्रोग्रेशंस ट्राई करिए और स्लोली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए और अपने कोर को ब्रेस करना सीखिए। नंबर वन प्रोग्रेशन जो है वो है वॉल पुशअप, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसमें एक वॉल के या किसी भी वर्टिकल सपोर्ट के अगेंस्ट लीन करके खड़े हुए हैं। एंड ये बिगिनर्स के लिए सबसे इजीएस्ट और सबसे एप्रोप्रिएट वेरिएशन है, क्योंकि और एक्चुअल जो पुशअप है उसकी प्रॉपर मैकेनिक्स सिखाता है एंड
साथ में ही इसको करने के लिए इतनी कोर एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है जितना कि आपको एक एक्चुअल पुशअप के लिए कोर एक्टिवेशन की ज़रूरत है। तो जैसे आप कोर ब्रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप ये वॉल पुशअप करके आप अपने पुशिंग मैकेनिक्स में भी स्ट्रांग हो सकते हैं। तो इवेंचुअली आप जब एक्चुअल पुशअप करने जाएंगे तो आप ये दोनों चीज़ें साथ में, जो कि हम स्टेप नंबर 4 में देखेंगे, दोनों चीज़ें आप साथ में करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट वेरिएशन जो है वो है इंक्लाइन पुशअप। इसमें आप अपने हाथों को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, जैसे वॉल पुशअप में आपके हाथ काफ़ी ऊपर रहते हैं, इसमें आपके हाथ थोड़े नीचे आएंगे, पैर थोड़े पीछे जाएंगे। ये आपकी जो एक्चुअल पुशअप है उसके थोड़ी सी क्लोज वाली पोजीशन है। इसमें आप अपने बेड के ऊपर हाथ रख सकते हैं, या फिर अपने टेबल के ऊपर, या एक लो चेयर या फिर स्टूल के ऊपर हाथ रख के आप ये पुशअप कर सकते हैं। ये पहले वेरिएशन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, और क्योंकि इसकी पोजीशन ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है, ये आपके शोल्डर और चेस्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेच रखती है, और इसमें जो कोर ब्रेसिंग है वो भी आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड करना पड़ेगा। और पहले प्रोग्रेशन की तरह ही अपना टेम्पो जो है स्लो एंड कंट्रोल रखिए, स्लोली नीचे जाइए, अपने चेस्ट को आपके सपोर्ट पे टच करिए एंड खुद को ऊपर की तरफ पुश करिए जब तक आपके हाथ सीधे नहीं हो जाते, एल्बोज एकदम स्ट्रेट नहीं हो जाती हैं। फ्रेंड्स, नंबर थर्ड वेरिएशन जो है इस लिस्ट में वो है इसेंट्रिक पुशअप। और ये आपकी जो रेगुलर पुशअप्स हैं जो फ्लोर पे होती हैं उसके साथ में आपका सबसे पहला एनकाउंटर होगा। इस वेरिएशन में आपका जो लोड है आपके शोल्डर्स पे एंड चेस्ट पे एंड कोर के ऊपर, जो ब्रेसिंग की डिमांड है वो बहुत सिमिलर होगी आपके एक्चुअल पुशअप से। डिमांड्स में 19-20 का फ़र्क होगा। फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोग पुशअप में फेल क्यों होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो होता है मैक्सिमम लोगों में वो ये होता है कि वो अपने एंटीरियर चेन में, यानी कि आपकी जो फ्रंट साइड की जो मसल्स हैं, उनमें अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टेंशन क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी सैग होती है एंड जो वो है वो लोग पुशअप में खुद को ऊपर की तरफ पुश नहीं कर पाते हैं। तो इसेंट्रिक पुशअप, जैसा कि इसका नाम है, इसमें और आप देख रहे हैं कि इसमें आप स्लोली नीचे जाते हैं कंट्रोल तरीके से एंड नीचे बॉटम में पॉज करते हैं, उस पूरे टेंशन को फील करते हैं अपने एंटीरियर चेन में एंड देन आप फ्लोर पे अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं, नीज के ऊपर खुद को ले आप दोबारा से ऊपर की तरफ आते हैं। तो बिफोर वी अटेम्प्ट एन एक्चुअल पुशअप, हम इसेंट्रिक पुशअप करके साइमल्टेनियसली अपने एंटीरियर चेन में हम टेंशन क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो और एक वर्कआउट में हम स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 2 को कंबाइन भी कर सकते हैं, जिसमें इसेंट्रिक पुशअप के साथ में आप अपने कोर की ब्रेसिंग सीख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप स्टेप नंबर 2 करके ब्रेस्ड कोर के साथ में अपने पुशिंग मैकेनिक्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 4 जो है वो है हमारा एक्चुअल पुशअप। एंड जितना ये देखने में सुंदर है उतना ही ये काफ़ी यूज़फुल मूवमेंट भी है। फ्रेंड्स, ये जो चौथा स्टेप है दिस इज़ जस्ट टाइंग अप। हम लोग अभी तक जो भी प्रैक्टिस किया था, जो भी हमने टिप्स और टेक्निक सीखी हैं, कोर को ब्रेस करना, एंटीरियर चेन को टेंस करना एंड पुशिंग करना, ये वो सारे स्टेप्स को टाई करता है। एंड स्टिल अगर आप इसमें ऊपर की तरफ खुद को पुश नहीं कर पाते हैं, अराउंड 3 से 4 वीक आपने इसेंट्रिक पुशअप्स एंड इंक्लाइन पुशअप को दिया, उसके बाद भी आप अगर स्टेप 4 नहीं कर पाते हैं, तो इसमें जब आप नीचे जाके पॉज करते हैं इसेंट्रिक पुशअप के पोर्शन में, जब आप नीचे जाके पॉज करते हैं उस पॉइंट पे आप अपने टोस को फ्लोर में पुश करना शुरू करिए एंड एट द सेम टाइम आप अपने बम को स्क्वीज़ करिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में जो टेंशन है वो इंक्रीज़ होगा एंड जैसे वो टेंशन इंक्रीज़ होगा आप देखेंगे कि आप केपेबल हो गए हैं टू पुश योर बॉडी बैक अप। फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम देखें कि पुशअप करने के गलत तरीके क्या हैं, मैं स्कैपुला के या फिर आपके शोल्डर ब्लेड के मूवमेंट के बारे में पुशअप के दौरान एक बात बोलना चाहता हूँ। और वो बात यह है कि पुशअप या इसका कोई भी वेरिएशन करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्कैपुला को फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ करें। और जैसे आप जब नीचे जा रहे हैं तो आपका स्कैपुला रिट्रैक्ट होगा और जब आप ऊपर आ रहे हैं तो आपका स्कैपुला प्रोट्रैक्ट होगा। और पुशअप के दौरान अपने स्कैपुला को रिट्रैक्शन या प्रोट्रैक्शन में लॉक रखना आपके लॉन्ग टर्म शोल्डर हेल्थ के लिए काफ़ी
डेंजरस साबित हो सकता है, आपके शोल्डर के मूवमेंट पैटर्न ख़राब हो सकते हैं उससे। सो हमें इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी है। मेक श्योर आप अपने स्कैपुला को इजीली और फ्रीली मूव करने दे रहे हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे ट्यूटोरियल ख़त्म होता है और देखते हैं कुछ तरीके की पुशअप गलत कैसे करी जाती हैं।